कोल के फूड के वाले से मैंने अभी टेस्ट किया है, तो हर आइटम जो है उसका एक अपना टेस्ट है और उसमें हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा गया है और फूड जो है वो बड़ा ही क्लीन और बड़ा ही टेस्टी है। वेलकम करते हैं हम अपने को रेस्टोरेंट पर, उनसे पूछते हैं वो खाना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुएब मलिक साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनाया है और कोल के फूड के हवाले से मैंने अभी टेस्ट किया है, तो हर आइटम जो है उसका एक अपना टेस्ट है और उसमें हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा गया है और फूड जो है वो बड़ा ही क्लीन और बड़ा ही टेस्टी है। एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा दिया है और उसमें उसके साथ साथ अभी मैंने विज़िट किया इनके को वर्क स्टेशन को कि जिसमें मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो है वो मिल सकता है यहाँ पे, कि वो अपना आए अपने यहाँ पे मीटिंग्स करे, अपनी कॉन्फ्रेंस करे और उसमें मतलब उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई हैं और उसमें आप देखें कि फूड की भी फैसिलिटी जो है साथ इसमें कोवर्किंग के साथ वो भी आ गई है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी बड़ा अच्छा है। एक उसमें मीटिंग रूम भी मैंने देखा कि उसमें रखा हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक आजकल की जो रिक्वायरमेंट है एक एंटरप्रेन्योर को वो सारी फुलफिल की गई हैं और उनको अंडर वन रूफ जो है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं।
तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक शोएब मली साहब एंड हिज टीम जी। सर आपको जो इसका क्वालिटी ऑफ फूड ऐसा लगा कि आप रिकमेंड कर सकते हैं आगे? बिल्कुल, मैंने तो अभी उनको बल्कि शोएब साहब से कहा कि ये तो मतलब फूड का क्वालिटी और फूड इतना अच्छा है कि और मैंने ये भी उन्हें कहा कि मेरी बच्चे जो हैं वो बड़ा लाइक करते हैं फास्ट फूड को, तो इंशाल्लाह मैं सम टाइम उनको भी विजिट कराऊंगा कि वो यहाँ आए और विजिट करें। ये थे हमारे साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, इनका रिव्यू हमने लिया, इनको बहुत अच्छा लगा और इनको कोवर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं दोबारा विजिट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।